आज हम आटे और आलू से बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही टेस्टी से स्नैक बनाने वाले हैं। और इस स्नैक की खास बात यह है कि इसे बनाते हुए हमें इसे डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कम घी तेल में आपको बहुत ही टेस्टी से स्नैक बनकर तैयार होने वाला है। तो आइए फिर बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस रेसिपी को। और रेसिपी से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज की इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे उबले हुए आलू। तो यहाँ मैंने आलू को उबाल कर रखा है और उबाल कर इसे हम छील लेंगे और छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, या फिर आप मेरी तरह से आलू को हाथ से भी फोड़ सकते हैं। और आलू के अलावा हमें चाहिए होगी थोड़ी सी प्याज। प्याज डालना टोटली ऑप्शनल है। तो सबसे पहले हम आलू भूनकर तैयार कर लेते हैं। और इसके लिए एक कढ़ाई में मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करें या फिर आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही इसमें ऐड करें हींग। देखिए यहाँ मैं आलू भूनकर तैयार कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास में बची हुई सूखी आलू की सब्ज़ी है तब भी आप इस रेसिपी को बनाते हुए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और तेल के गर्म हो जाने पर इसमें ऐड करें थोड़ा सा जीरा। जीरे के भुन जाने के बाद में हम इसके अंदर ऐड करेंगे कटी हुई प्याज। यहाँ पर लगभग आधा कप मैंने कटी हुई प्याज का इस्तेमाल किया है, यानी एक बड़ी प्याज का आपको इस्तेमाल करना है। और आप चाहें तो प्याज टोटली स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज हल्की गोल्डन ब्राउन होने लगी है और मैंने इसके अंदर ऐड की है बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। साथ ही इसमें ऐड करें एक टीस्पून अमचूर पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें लाल मिर्च पाउडर डालें। सारे मसालों को एक बार अच्छे से भून लें। और मसालों के भून जाने के बाद में हम इसके अंदर ऐड करेंगे उबले हुए आलू। यहाँ मैंने उबले हुए आलू इसके अंदर डाल दिए हैं। साथ ही इसमें ऐड करें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। सर्दियों का मौसम है और मटर बहुत बढ़िया आ रही है, तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ उबली हुई मटर। मटर डालने के बाद में मीडियम फ्लेम पर हम आलू को अच्छे से भून लेंगे। तो आलू भून जाने के बाद में इसमें ऐड करें बारीक कटा हुआ हरा धनिया, अच्छे से मिक्स करें। और ये लीजिए हमारा आलू का मसाला बनकर एकदम तैयार है। और अब बारी आती है आटे को मलने की। अगर आपके पास में बचा हुआ आटा है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर फ्रेश आटे को मलकर तैयार कर रही हूँ। और आटे को मलने से पहले हमें उसके अंदर कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ हमें उसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर के पानी से ही गूंथना है। इस स्नैक के लिए आटा मलते हुए इस बात का ध्यान रखें कि आटा आपको उतना टाइट मलना है जितना कि हम पूरी मलते समय आटे को तैयार करते हैं। आटा मलने के बाद में हम उसे लगभग आधे घंटे का रेस्ट देंगे। और ये लीजिए आधे घंटे के बाद में हमारा आटा एकदम तैयार है। हल्का से हाथों को चिकना करें किसी भी तेल या घी से और आटे को हम थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। तो आटा मैंने स्मूथ कर लिया है। और अब बारी आती है लोई बनाने की। तो लोई का साइज़ हमें इतना रखना है जितनी लोई से एक बड़ा सा पराठा बनकर तैयार हो जाए। और लोई बनाने के बाद में पराठे से थोड़ा बड़ा साइज़ में इसे बेल लें। और बेलने के बाद में हम इसके चारों ओर लगाएंगे थोड़ा सा पानी। पानी हमें ठीक से लगाना है ताकि जब हम इसे रोल करें तो इसके किनारे आपस में छूटे नहीं। और अब बारी आती है भुने हुए आलू रखने की। तो आलू हमें बीच में नहीं रखने हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा साइड से आलू को रखा हुआ है और आलू का अच्छी क्वांटिटी हमें इसके अंदर भरनी है। अच्छे से दबा दें ताकि इसके अंदर जितनी भी हवा आ गई हो, एयर ट्रैप्ड हो, वो निकल सके। इस तरह से हमें पराठे को रोल करना है। और रोल करने के बाद में आलू को, जो साइड में आलू है, उसे अच्छे से अंदर को पुश करें। और ये देखिए आटे की दोनों परतों को हमें अच्छे से चिपका देना है। और उंगली से चिपकाने के बाद में आप हथेली की हेल्प से इसे अच्छे से दबाकर आपस में चिपका दें। और बाकी के सारे रोल्स हमें इसी तरह से बनाकर तैयार करने हैं। और सारे रोल्स बनाने के बाद में बारी आती है इन्हें उबालने की। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने फिर से एक कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। बर्तन थोड़ा फैला हुआ लें ताकि ये रोल उबालते हुए चिपके नहीं आपस में। गैस की फ्लेम को हाई पर रख कर दें और खूब अच्छे से पानी को उबलने दें। और साथ ही इस पानी में हमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है। और नमक ऐड करने के बाद में हम पानी को ढक देंगे जिससे ये जल्दी से उबलने लगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी में अच्छे से उबाल आ रहा है। और इस उबलते हुए पानी में हम ऐड करेंगे हमारे तैयार किए हुए रोल्स।
और जब हम ये रोल्स पानी के अंदर डालेंगे तो पानी का टेम्परेचर एकदम तेज़ी से नीचे आएगा। तो फिलहाल के लिए अभी हमें गैस को हाई फ्लेम पर रखना है, फिर से हम कढ़ाई को ढक देंगे और एक बार जब इसमें उबाल आ जाएगा उसके बाद में हम फ्लेम को लो पर करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस समय उबाल आने लगा था तो मैंने फ्लेम लो कर दी है और लो फ्लेम पर हम लगभग 10 मिनट तक इसे ढककर पकाने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो रोल्स हैं वो ऊपर की तरफ आ गए हैं, यानी ये अच्छे से पक चुके हैं। रोल को हम लगभग 10 से 12 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो यहाँ पर सारे रोल्स पक चुके हैं और अब बारी आती है इन्हें पानी से बाहर निकालने की। सारे रोल्स को हमें छलनी में निकालना है जिससे कि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो ड्रेन हो सके। और अगर आपके रोल्स एक बार में कढ़ाई में नहीं आए हैं तो आप इसी पानी में बाकी के बचे हुए रोल्स को डालकर पहले की तरह ही उबाल सकते हैं। तो यहाँ छलनी में डालने के बाद में जब ये रोल पूरी तरह से ठंडे हो जाएंगे तब हम इन्हें काटेंगे। और इन रोल्स को काटते हुए इस बात का ध्यान रखें कि आप पीछे से इसे अच्छे से पकड़े रहें और अंगूठे के पास से ही आप इसे काटें ताकि ये रोल काटते समय खुले नहीं। आप चाहें तो इस तरह से इसे सीधा सीधा काट सकते हैं या फिर इन रोल्स को डायगोनल भी काट सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ रोल्स को मैंने सीधा काटा है और कुछ रोल्स को डायगोनल काटा है। और अब बारी आती है इन रोल्स को भूनने की। वापस से बारी आती है फिर से कढ़ाई की और इसमें हम ऐड करने वाले हैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। और इस बार मैंने लगभग 4 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। हालाँकि आप चाहें तो इन रोल्स को डीप फ्राई करके भी खा सकते हैं। तेल के गर्म हो जाने पर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा, साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे बारीक कटी हुई प्याज। तो यहाँ पर वापस से मैंने लगभग आधा कप प्याज का इस्तेमाल किया है, यानी एक बड़ी प्याज को हमने काट लिया है। प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे। प्याज के हल्के गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद में हम इसके अंदर ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, साथ ही अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें लाल मिर्च पाउडर डालें, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। और हल्दी और मिर्च जो हमने डाली है उन्हें थोड़ा सा भून लेंगे और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। तो यहाँ आप देख सकते हो कि प्याज की बराबर क्वांटिटी में हमने टमाटर का इस्तेमाल किया है। और जब तक टमाटर मशी नहीं हो जाएंगे तब तक हम इन्हें पकाते रहेंगे। और टमाटर जल्दी मशी हो जाए इसके लिए हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं। तो लगातार स्टर करते हुए लो फ्लेम पर हम इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मसाला भुन चुका है और बढ़िया कलर के लिए इसमें ऐड करें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मसाला एकदम तैयार है और जितने भी स्नैक्स आपको सर्व करने हो उतने स्नैक्स को इस मसाले में डालकर हमें अच्छे से भूनना है। तो थोड़े से मसाले को मैं अलग कर रही हूँ क्योंकि इस समय मैं आधे जो हमने रोल्स बनाए हैं उनको ही इसके अंदर अच्छे से फ्राई करने वाली हूँ। तो ये रहे कटे हुए रोल्स मसाले के अंदर और मसाले में डालने के बाद में लो फ्लेम पर हम इसे लगभग 6 से 7 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। और अच्छे से भून जाने के बाद में हम इसके अंदर ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और हरा धनिया डालते ही ये देखिए कितना देखने में सुंदर लगने लगा है। तो ये लीजिए हमारा टेस्टी सा आटे और आलू से तैयार स्नैक्स बनकर एकदम तैयार है। और आज की इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग बिंज क्रेविंग्स।